क्वेश्चन है, फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द एरिया इनक्लोज बाई टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 6 8 टू द सर्कल एंड द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट इज मैक्सिमम। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हम मान लेते हैं कि ए एक सर्कल है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, माने ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ये पॉइंट ओ है। ओ से ए और बी दो पॉइंट हैं, ए कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 8, पी से पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ए बी कोण है, तो हमें ए टेंजेंट और ए कोण के बीच का ए जो ट्रायंगल है पी ए बी, इसी का एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे कि ओ से ओपी को ज्वाइन कर देंगे। ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी में देखें, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ओ पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट होगा। इसका मतलब अगर ए एंगल थीटा होगा तो ए बी एंगल थीटा ही होगा। अब हम ट्रायंगल ओ ए पी में इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी मीन्स इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, ओ ए इक्वल टू रेडियस ओ पी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला 6 - 0 स्क्वायर प्लस 8 - 0 स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स 10, 36, 36 प्लस 64 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, ओपी 10। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एपी इक्वल टू क्या होगा, ओपी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 100 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट एपी हो गया। तो हम जरा इस ट्रायंगल को इधर हम ड्रॉ करते हैं, ए ए पॉइंट पी, ए पॉइंट ए,
ए पॉइंट बी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अनुसार ए साइड स्मॉल ए साइड स्मॉल बी और ए जो पी है पी ए पूरा एंगल मीन्स टू थीटा होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी पी ए बी का एरिया क्या होगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन टू थीटा है ना। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ए ए के लिए ए पी इंटू बी पी इंटू साइन टू थीटा यानी हाफ इंटू एपी कितना है 100 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट बीपी भी 100 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं। ए टू से ए टू कैंसिल ए हो गया 100 माइनस आर स्क्वायर अब देखें हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया ना तो इस ट्रायंगल को हम यहां पे थोड़ा सा पी ए ओ एंगल थीटा मतलब इस ट्रायंगल को हम यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। ए आर है ए है 100 माइनस आर का अंडर रूट ए पी है ना ए पी 100 माइनस आर का अंडर रूट और ओ पी हमारा निकला था कितना ओ पी निकला था 10 यूनिट। तो साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा का परपेंडिकुलर इसको पकड़ते थे परपेंडिकुलर और ए हाइपोटेन्यूज क्योंकि रेडियस पे टेंजेंट एंगल 90 डिग्री है तो ये हो गया आर बाई 10 साइन थीटा का वैल्यू आर बाई 10 कॉस थीटा बी बाई एच 100 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट बाय 10 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी को अगर ए मान लेते हैं तो ए इक्वल टू हो गया आर बाय 100 इनटू 100 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसी को हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम ए इक्वल टू इतना है इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एक बदे एक दो तीन चार 0 100 माइनस आर स्क्वायर का
होल क्यू। इसी ए स्क्वायर को हम पकड़ लेंगे, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो हमारा डी जेड बाई डी आर, डी जेड बाई डी आर होगा कितना, फर्स्ट फंक्शन मीन्स आर स्क्वायर बाई एक के बाद एक दो तीन चार जीरो इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू 100 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2r। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स 100 माइनस आर स्क्वायर का होल क्यूब इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 2r बाई एक के बाद एक दो तीन चार। अच्छा, इन दोनों में R by 10,000 और 100 माइनस आर स्क्वायर कॉमन है। तो इसमें हम इन दोनों में अगर हम R by 10,000 इंटू 100 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तब यहां पर क्या बचता है, ए 1000 और ए चला गया, तो यहां पे बचेगा 3 × 6 माइनस 6 आर स्क्वायर। यहाँ पर R 10,000 और ये दो बार कॉमन हो गया, प्लस 2 × 100 माइनस R स्क्वायर, तो ये हो गया कितना, R/10,000 100 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 6 मीन्स माइनस 8r स्क्वायर प्लस 200। इन सब में माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तब हमारा क्या बचता है, R/1, 2, 3, 4, 0 100 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 25। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए अगर हम डी आर को 0 पकड़ते हैं तो ये टर्म 0 होगा, आर तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, ये भी टर्म 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी आर इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। लेकिन आर रेडियस है, माइनस 5 होगा नहीं, इसलिए आर इक्वल टू 5 को ही पकड़ेंगे। अब हम इसको डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू 5 निकालेंगे तो ये हमें लेस देन 0 मिलेगा, यानी इससे हम क्या, देयरफॉर जेड मींस
a square is maximum when r equal to 5. That is, area of triangle PAB, that is area of triangle PAB is maximum when r equal to 5, यही हमारा आंसर होगा.